यार साइकिलिंग करते हैं कल सुबह। हाँ यार अगर तू रियलाइज करे तो ये तो हमारे स्कूल का आखिरी साल हुआ, इतनी जल्दी बीत गया यार पता भी नहीं चला। इसके बाद तो सीधा कॉलेज। हाँ यार मुझे तो काफी याद आने वाली है स्कूल की, मैं तो कभी नहीं भूल सकती तुझे भी और स्कूल को भी। एक तू ही तो है जिसने स्कूल डेज को इतना फन बनाया। हाँ यार मुझे भी तेरी बहुत ज्यादा याद आएगी, इन सालों में हमने इतने सारे प्रेशियस मेमोरीज बनाए, मैं तो इन्हें जिंदगी भर याद रखूंगी। पहले मुझे डर था कि हम कॉलेज जाएंगे हमें और दोस्त मिलेंगे और हमारी प्रायोरिटीज चेंज ना हो जाए। नहीं यार हमारी दोस्ती एकदम सच्ची और पक्की है, इतनी गहरी दोस्ती को तो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ भी नहीं तोड़ सकता। हाँ और अगर किसी ने आने की कोशिश भी की तो हम खुद ही अलग हो जाएंगे। हाँ वाह यार क्या बात कही तूने, और तूने उसका पोस्ट क्यों लाइक किया और कमेंट किया, देखे थे उसमें कितने कम लाइक्स थे। यार ऐसे ही फेक मोटिवेशन, देख हम सबको पता है कि ये लोग कुछ ज्यादा आगे तो बढ़ने वाले नहीं है, तो ऐसे ही इधर उधर का मोटिवेशन देते, झूठी तारीफ कर लेते, मजा आता है यार। हाँ यार तूने तो एकदम सही कहा, और तूने नोटिस किया क्या आज सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स हो गए। वाह कॉन्ग्रेट्स बेस्टी, देख तू है तो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ना। हाँ यार इतने सारे फॉलोअर्स इतने सारे फैंस सब तेरे सपोर्ट की वजह से तो है। अरे इसमें क्या थैंक यू, मतलब तेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड को कोई थैंक यू थोड़ी बोलता है। हम लोग को पता है 3 साल की दोस्ती पूरी हो गई है, जब मैं तुझसे 3 साल पहले मिली थी तब तो हमारा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, मुझे लगा भी नहीं था दोस्ती इतनी गहरी होगी, लेकिन अब देख हम लोग तो हर दिन बात करते हैं, और ये देख आज तो हम लोग 1 घंटे से कब से बात ही कर रहे हैं। हाँ यार जब हमने दोस्ती की तो मेरे को नहीं पता कि इतनी अच्छी होगी, इन 3 सालों में तो हमारी दोस्ती एकदम ही गहरी हो गई, और इतने मेरे हजारों फॉलोअर्स हजारों फैंस हैं, पर मुझे तेरे पास ही एकदम कंफर्टेबल फील होता है। अरे वाह यार तूने तो मेरा दिल ही छू लिया है बोलकर। चलो मेरे को जाना है रील्स बनाने। हाँ अच्छा ठीक है, मेरे को भी रील फॉरवर्ड कर देना जिससे मैं उसको हर जगह स्टोरी में डाल सकती हूँ, देख मेरा बेस्ट फ्रेंड का नया रील आया है। यस थैंक यू बेस्टी, बाय बाय बेस्टी। No. Hush, finally phone आ ही गया। Hi Dimple. Hi Anu. तूने मेरा नया रील देखा? पता है इतना ट्रेंडिंग हो गया ना, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ गए उससे। और नहीं तो क्या, मैंने देखा ना, मैंने तो शेयर भी किया सबके साथ। अच्छा वैसे भी इससे मेरे साथ था तो तेरे भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा पता है मेरे कई सारे फैंस ने किया और उनके भी बहुत फॉलोअर्स बढ़ गए। अरे मैं फॉलोअर्स के लिए थोड़ी कर रही हूँ, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये तो मुझे करना ही चाहिए ना। अच्छा आई डिडंट मीन इट दैट वे, बट पता है मैंने ना अभी रिसेंटली एक रील कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था एंड उसमें फर्स्ट आई एंड उसका प्राइज मनी ना 1 लाख रुपीज है। क्या सच्ची, वाह यार कॉन्ग्रेचुलेशन, मजा ही आ गया। हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, और पता है इसकी खुशी में मम्मी ने मेरे 20K की ड्रेस ली, 20,000 की, रुक दिखाती हूँ ये देख। वाओ कितनी प्रिटी है ना। वाह यार बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, तुझ पे तो और अच्छी लगेगी है ना। अच्छा चल अभी मेरी ना ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। यार तुझे नहीं लगता कि ये डिंपल तेरे सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करती है? नहीं तो, अरे यार हम मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो हम लोग ऐसे ही बातें करते रहते, अपने हैप्पीनेस शेयर करते हैं। तू श्योर है इसके बारे में? हाँ 100% श्योर हूँ, वो मेरी दोस्त है, 3 साल की दोस्ती हमारी, 3 साल की। अच्छा कितने बार मिले हो? एक बार भी नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता, हम लोग हर रोज तो बात करते हैं ना। तो कैसी बेस्ट फ्रेंड हुई, उसने आज तक अपने बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट किया है क्या? नहीं बुलाया, लेकिन हम लोग हर दिन तो बात करते हैं ना, हर दिन 1-1 घंटा बात करते हैं हम लोग, सब डिटेल शेयर करते हैं, मुझे उसके बारे में सब पता है, उसको मेरे बारे में सब पता है। देख तू ना बस संभल के रह। देख तू मुझे संभलने को मत बोल। हाँ? तू संभल के रह ना उस चुड़ैल रश्मि से। ओह नो। ए मेरी बेस्ट फ्रेंड मत जा तू, मैं ही पागल जो तेरे को समझाने बैठ गई। कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ
ये तो कब से ऐसी थी बैठी है यार, मुझे कब से बात बहुत सता रही है यार। क्या यार ये अनु है ना, मैं वियर्ड एक्ट कर रही है, एकदम अनोइंग बनती जा रही है दिन ब दिन। पूरा दिन बस डिम्पल से बात करती है। लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो डिम्पल से बात करे, बट देन फैमिली भी तो होती है ना, तेरी बहन भी तो होती है, मतलब आजकल बात ही नहीं करती यार, मम्मी पापा से नहीं, मुझसे नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा यार। शायद उसकी ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई है और कुछ नहीं होगा यार। मैं चाहती हूँ तुझे, बट पता नहीं यार, मन नहीं मानता मेरे को, बट डिम्पल ना सही नहीं लगती है। उस दिन मैं देखी वीडियो कॉल पे तो वो बस शो ऑफ कर रही थी अनु के सामने, थोड़ी ऐसी दोस्ती की शो ऑफ करते हैं हम तो, थोड़ी ऐसा करते हैं। और वो अनु भी भोली भाली सी है, दूसरों की बातों में आ जाती है, तो पता नहीं यार। हाँ यार सोच में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ शायद। एक मिनट, मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी। क्या अनु को क्या हुआ? अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ अनु को? यार मम्मी बोली मैं बेहोश हो गई। अच्छा तो जाके देख के आ जाओ उसको। मैं अभी घर जाती हूँ यार, ये मैं चलती हूँ। क्या मम्मी आपने अचानक बुला दिया अनु को, क्या हुआ? अरे बेटा इसको अचानक अभी बहुत बुखार आ गया और बहुत वीकनेस भी लग रही है। लगता मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन है। हवा बड़ी डल साउंड कर रही है। हाँ वो गया है ना, मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत वीकनेस था, बुखार भी आ गया, मैं तो बेहोश भी हो गई थी। ओ अच्छा। अरे सुन ना डिम्पल, क्या तू मेरे से मिलने आ सकती है मेरे घर में? वो क्या है ना, जो बीमार हो ना, तो अगर तू रहेगी ना तो देख के खुश हो जाऊंगी मैं। अरे नहीं यार मैं नहीं आ सकती, मेरे जो फैंस है ना उनने मेरे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मेरे को उसके लिए जाना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। अरे सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट का 2 मिनट भी आ जाएगी ना, मुझे चलता है, प्लीज आ जाना यार। अरे अरे नहीं यार मेरे को भी तैयार होने जाना है, चल मैं रखती हूँ, बाय। अरे अरे लेकिन सुन सही। हेलो, अरे हेलो, बहाना कर दिया ना। देख मैं देखो कितना बार समझा चुकी हूँ और तू समझती ही नहीं है, वो ना तुझे यूज कर रही है, वो तेरी रियल फ्रेंड नहीं है। रियल फ्रेंड्स वो होते जो तेरे अच्छे समय बुरे समय दोनों समय तेरे लिए हमेशा रहते हैं। जैसे भी मुझे एक खरोज भी आ जाती ना तो रश्मि को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद भाग के आ जाती। और यहाँ डिम्पल को 1000 बार बुलाने के बाद फिर भी नहीं आई वो। देख ऑनलाइन फ्रेंडशिप सब ठीक है बट रियल फ्रेंडशिप चाहिए अनुष्का, 3 साल से तुम लोग दोस्त रहे हो बट एक बार भी मिले नहीं हो, एंड वो तुझे तेरे बारे में केयर भी नहीं करती है। तूने बोला तू बीमार है, वो बिल्कुल उसको फर्क ही नहीं पड़ा आने के लिए, उसको उल्टा खुद बोलना चाहिए कि मैं आ जाती हूँ, बट यहाँ पे तो वो आने की बात ही नहीं कर रही है। और वो हर समय तेरे से मैं देखी हूँ कितने बार कॉल में बस शो ऑफ करती रहती है, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, हमें रियल फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। हाँ ये तो एकदम सही कह रही है, सॉरी। हाँ तू समझ गई, बस वही काफी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। तो देखा दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्ती दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। असली दोस्त वो होते हैं जो हमारे हर समय काम आते हैं, सुख हो या दुख हो दोनों में ही हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो का मॉरल पसंद आया, वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।